आप सभी का स्वागत हो। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथी के अंदर एक दवा जिसका नाम है इंडिगो, इसका पूरा नाम नील डाई स्टफ। ये दवा इंडिगो औषधि का प्रयोग रोगी के अंदर उत्पन्न होने वाले लक्षणों के आधार पर रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये औषधि कई प्रकार के रोग लक्षणों को ठीक करती है। इस औषधि की मुख्य क्रिया स्नायु प्रणाली पर विशेष होती है, अतः स्नायु संबंधी रोगों में इसे याद करना चाहिए। मिर्गी की अवस्था में रोगी को उत्पन्न उदासी जैसे लक्षणों को दूर करने के लिए रोग ठीक किया जा सकता है। इंडिगो औषधि का प्रयोग मानसिक रूप से बीमार रहने वाले रोगी के लिए भी किया जा सकता है। यदि किसी रोगी में उत्तेजना के साथ अधिक व्यस्त वाले स्वाभाविक लक्षण उत्पन्न हो तो ऐसे लक्षणों को दूर करने के लिए इंडिगो का प्रयोग किया जा सकता है। स्नायु प्रणाली में उत्पन्न गड़बड़ी के कारण रोगी में खून उत्पन्न पागलपन को दूर करने के लिए, स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले स्त्री रोग को ठीक करने के लिए इंडिगो काम में लिया जाना चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से हिस्टीरिया रोग के संबंधित लक्षण ठीक होते हैं। विशेष लक्षणों में रोगी को इंडिगो औषधि के स्थान पर काली परमाने या सेड्रन औषधि भी दी जा सकती है। मकड़ी या सांप के काटने पर उत्पन्न होने वाले घावों को ठीक करने के लिए भी इस औषधि का पाउडर को छिड़कने से लाभ मिलता है। यदि किसी रोगी को आहार नली में सूखड़न नीले रंग की हो गई हो तो इस इंडिगो से लाभ मिलता है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर इंडिगो औषधि का उपयोग। सिर, यदि रोगी के सिर में चक्कर आता साथ ही मितली होती है तो इंडिगो से लाभ होगा। रोगी के बेहोशी उत्पन्न होने हैं और सिर के चारों ओर पट्टी बांधे जैसा एहसास होता है, मस्तिष्क पर बर्फ का जम जाना जैसा महसूस होता है, रोगी में चिड़चिड़ा अधिक बढ़ जाता है, रोगी का मन करता है कि अपने सिर के बाल खींच ले, इस तरह के लक्षणों में इंडिगो लाभ करती है। नाक के लक्षण, रोगी को अपनी नाक से छींकें अधिक आना, नाक से खून निकलना आदि में रोगी को इंडिगो से आराम मिलता है। कान के लक्षण, यदि किसी रोगी को कान में दबाव महसूस होता हो, हल्की आवाज़ भी बहुत तेज सुनाई देती हो तो ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए इंडिगो का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय रोगग्रस्त होने के कारण यदि रोगी के मुंह का स्वाद लोहे की तरह हो गया हो तो रोगी को बार बार डकारें आती हो तो इंडिगो का प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी को भूख नहीं लगती हो तथा आमाशय में तेज गर्मी महसूस होती हो तथा सिर बड़ा महसूस होता हो तो ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए इंडिगो देना चाहिए। मला से गुदा का चिर जाना, मलद्वार में रात के समय बहुत तेज खुजली होना जिसके कारण नींद नहीं आना आदि लक्षणों में रोगी को इंडिगो औषधि देना लाभदायक है। पेशाब के लक्षणों में पेशाब का बार बार आना तथा पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना मानो पेशाब अभी बाकी है। पेशाब के रंग का आना, मेले रंग का आना, पेशाब के साथ सफ़ेद पदार्थ का आना आदि पेशाब के रोगों में इंडिगो देना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में गठिया साइटिका, जांघ की ऊपरी भाग से घुटनों तक आता है, घुटनों के जोड़ों में कोई मोटी वस्तु गड़ने जैसा दर्द होना, चलने पर दर्द से आराम मिलना आदि लक्षणों वाले रोगी को इंडिगो औषधि का सेवन कराना चाहिए। इससे रोगी ठीक हो जाता है। यदि भोजन करने के बाद शरीर में किसी अंग में बार बार दर्द उठता हो रोगी को औषधि का इंडिगो का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी के स्नायु में अधिक उत्तेजना होती हो तो ऐसे रोगी को इंडिगो औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मिर्गी का दौरा पड़ना, पेट से
सिर तक तेज गर्मी महसूस होना, नींद में मिर्गी का दौरा पड़ना, कंधे के बीच वाले भाग से दौरा उत्पन्न होना, दौरे वाले भाग पर एक दर्दनाक धब्बा उत्पन्न होना आदि लक्षणों में इंडिगो देना चाहिए। कीड़े होने के कारण होने वाला प्रतिवर्त उत्तेजना होना यदि आदि लक्षणों को दूर करने के लिए इंडिगो देना चाहिए। इसके रोगी को आराम मिलता है आराम करने से, शांत बैठे रहने से आराम मिलता है, रोग बढ़ता है आराम करने से और शांत बैठे रहने से। आराम मिलता है रोगग्रस्त स्थान पर दबाव देने से। इंडिगो औषधि की तुलना क्यूप्रम मेटेलिकम से की जा सकती है, इससे 30% में आप दे सकते हैं। कुल मिला के ये जो दवा है इंडिगो, इसको एक तरफ डाल रखा है कूड़े कचरे की तरह, कोई इसको ध्यान नहीं देता। इसलिए नहीं देता है कि जब बड़ी बड़ी दवाइयों के चर्चे होते हैं ना, तो सब्सक्राइब उन्हीं को मिलते हैं, और इसको देने से उनको क्या मिलेगा। जबकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लड़ाकू लड़का और खोटा पैसा, ये समय पे काम देते हैं। इंडिगो कोई मामूली दवा नहीं है, हिस्टीरिया की खास दवा है। इसके अलावा दिमाग की खास दवा है, इसको उपयोग में लेना चाहिए 30% के अंदर। पेट के रोगों से लेकर के सिर तक सभी जगह ये दवा काम करती है। मैंने पूरी YouTube छान रखी है, लेकिन इसका कोई अच्छा आर्टिकल मेरे को देखने को नहीं मिला, न मैं जिस तरह समझाता हूँ उस तरह कोई समझाने वाला नहीं मिला। दुकानदार के पास जाओगे कि इंडिगो थी हो, कौन सी इंडिगो, अरे यहाँ कोई इंडिगो नहीं बिकती है हमारे यहाँ, ये हालत हो रही है हीरे जवाहरत हीरे मोतियों की, जो होम्योपैथिक में महात्मा हैनी में जो तुमको देके गए हैं, तुमने फजीयत कर दी उनकी। छोटी से छोटी दवा काम आती है, जैसे इलेप्स इंडिको, कद्र करो कद्र करो कद्र।